लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। 21 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, देश भर में NDRF के 4,500 कर्मी तैनात, नई दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान समेत 21 राज्यों में भारी बारिश के चलते अलर्ट किया गया है। आपदा मोचन बल NDRF के करीब 4,500 कर्मियों वाली लगभग 100 टीमों को देश भर में 71 स्थानों पर बाढ़ एवं भारी वर्षा से निपटने के लिए तैनात किया गया है। NDRF की सभी बटालियनों में अतिरिक्त टीमों को तैयार स्थिति में रखा गया है और उन्हें मांग के अनुरूप भेजा जाएगा। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि NDRF ने देश भर में कम से कम 14 राज्यों में 71 स्थानों पर बाढ़ प्रभावित लोगों के बचाव एवं उन्हें राहत मुहैया कराने के लिए 97 टीमें तैनात की हैं। NDRF की एक टीम में 45 कर्मी होते हैं। दिल्ली में आज सुबह आंशिक बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में देर शाम शहर के अलग अलग हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान जताया है। दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से कर्नाटक के बड़े हिस्से में मूसलाधार बारिश हो रही है। इस वजह से जनवरी जीवन पर असर पड़ा है और कई नदियां उफान पर चल रही हैं। अधिकारियों ने बताया कि कावेरी, तुंगा, भद्रावती नदी और कृष्णा और इनकी सहायक नदियों में बाढ़ आ गई है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश के 42 जिलों में भारी बारिश की आशंका व्यक्त की है। बुरहानपुर में एक गांव में बाढ़ आने से 80 से अधिक मकानों को नुकसान पहुंचा है। जानकारी के मुताबिक अगले 48 घंटे के दौरान प्रदेश के ग्वालियर, रीवा, सतना, सीधी, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, उमरिया, अलीराजपुर, अनूपपुर, बालाघाट, बड़वानी, बैतूल, भोपाल, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, देवास, धार, डिंडोरी, हरदा, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, कटनी, खंडवा, खरगोन, मंडला, मंदसौर, नरसिंहपुर, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, सागर, दमोह, सीहोर, सिवनी, शहडोल, शाजापुर, उज्जैन, उमरिया और विदिशा के अनेक स्थानों पर तेज गरज, बौछार और भारी बारिश होने की संभावना है। गुजरात के नवसारी और वलसाड जिलों के कई रिहायशी और निचले इलाके में भारी बारिश की वजह से पानी भर गया और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सूरत शहर के कई हिस्सों में भी जलभराव हुआ है। राज्य आपात स्थिति नियंत्रण कक्ष के मुताबिक सौराष्ट्र क्षेत्र के कई इलाकों में भारी बरसात हुई है। मूसलाधार बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया और नदियां उफान पर चल रही हैं। राज्य के विभिन्न इलाकों, खास तौर पर मध्य गुजरात के इलाकों से करीब 900 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। देहरादून सहित उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में तेज बारिश का दौर जारी है। हिमाचल में गुरुवार को हल्की बारिश हुई। पोंटा साहिब में कल शाम से 72.2 मिमी बारिश हुई, जबकि धर्मशाला में 31.2 और ऊना में 2.2 मिमी बारिश हुई। मौसम विज्ञानियों ने राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान लगाया है।